रहीम, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 1.6 का। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो दो आपके एंगल हैं वो लेस देन 60 टाइम है तीसरे एंगल से। तो थर्ड एंगल के बारे से उसने इसमें बात की है, वो कितना लेस है? वो 16 लेस है, यानी 2x हमारे पास पहले जो दो हमने एंगल रखनी है वो x के इक्वल रखनी है, इसलिए 2x लिखनी है। 2x माइनस 16 इज इक्वल टू थर्ड के y के इक्वल आ गया। अब हमने इसको इक्वेशन की शक्ल में लिख दिया, ये इक्वेशन की शक्ल मान ली। फिर सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आएगी कि जो ट्राइंगल होती है वो सारी की सारी 180 के इक्वल होती है। अब पहले दो आगे तो हमारे पास 2x के इक्वल है प्लस y इज इक्वल टू 180। अब हम इसको जो है वो मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे, a आ गया और फिर ये b वैल्यू सामने वाली आती। इसके बाद इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर ax, फिर ay, फिर x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू। x हमारे पास दो एंगल आएंगे यानी 49 और 49, और y 82 हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। अब ये मैंने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में वो कहता है, ऊपर लिखा हुआ है दोनों में इन्वर्जन मेथड भी यूज करें और क्रैमर रूल, तो ये सारा क्रैमर रूल से हमने सॉल्व करके आपके सामने लिख दिया है ये आंसर आपका।